सिर्फ हमारे सीनियर सर चौबे सर कोचिंग के डायरेक्टर साइंस स्केल के जो विकास सर हैं, साइंस स्केल कोचिंग सीनियर सर हैं इकबाल सर, प्यारे साथियों आप सभी को नए फेयरवेल की पार्टी जो 2021 की है इसके सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है फेयरवेल है जी, ये जो है आप लोगों के लिए खुशी और दुख दोनों का है समय एक तरह से। इसमें खुशी इस बात का है कि जो आप लोग जो है आपने जो पढ़े हैं उसका एक नए भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल की जो शिक्षा थी आपकी उसके बाद जो प्लस टू की है पूरी हो गई है, आप नए भविष्य की ओर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की खुशी है सभी को और हम लोग खुशी और भी ज़्यादा तब होती है जब हम आपको लगातार हम सारे शिक्षकगण आपको जो है कड़ी मेहनत से आपको शिक्षा ग्रहण कर आपको देने की कोशिश करते हैं और उसमें आप लोग उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं ईमानदारी के साथ। आप लोग कभी इसके लिए कभी कभी आप लोग को डांट पड़ता है लेकिन वो आपके भविष्य के लिए करते हैं, हमारे जो भी शिक्षक हैं आपके भविष्य के लिए तब आपको इस टाइप से परेशानी होती है लेकिन आपको भविष्य के लिए करते हैं, डांटते हैं वगैरह हैं कभी तो इसको इग्नोर करते हुए आपको भविष्य के लिए आपको आगे बढ़ना है, पथ पे आगे जिंदगी को आगे गुजारना है और हम लोगों के सारे शिक्षक यही है कि जो हमारा इलाका है नवीनगर क्षेत्र इसको काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो इसको आगे ले जाना है, शिक्षा के माहौल को आगे बढ़ाना है और आपको उम्मीद करते हैं आप लोगों जो है जितनी मेहनत की है इस मेहनत पे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको ज़्यादा प्रेशर होने की जरूरत नहीं है और जो एग्जाम जब देने जाएंगे आप तो जब एग्जाम देते समय आपका समय का मैं ध्यान रखना होता है, अगर समय को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे नंबर आएंगे आपको क्योंकि जो वर्ड होते हैं ना जितने वर्ड में अगर क्वेश्चन का आंसर करना होता है उतना में आप लास्ट समय की आपको बचत हो जाती है, तो क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर ज्यादा आपको उसमें आप ज्यादा वर्ड लिख देते हैं, कभी कभी याद है तो पूरा लिखते ही जाते हैं लेकिन उसका आंसर देखना होता है हमको कितने मार्क्स का है, तो मार्क्स को देख करके हमको पहले जो है एक क्वेश्चन का आंसर का हमको ख्याल रखना होता है कि कितने मार्क्स का है ये आपका जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उस क्वेश्चन को जो है कितने मार्क्स में कितने आपको वर्ड में देने हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ठीक है, 10 सवाल पर समय जो है बहुत कीमती होता है, समय लास्ट में बहुत कम टाइम मिल जाता है ना तो लास्ट में बहुत दिक्कत होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है आपको और हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमारी उम्मीद है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें, कोई इंजीनियर बने कोई डॉक्टर बने और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आपके जो लक्ष्य हैं इसी चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं।